हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार यस लिख दो इफ माय वॉइस इज ऑडिबल। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन चैप्टर का नेम है। यानी कि क्या सुन के क्या समझ में आ रहा है कि ड्यू टू द फेलियर ऑफ द मार्केट टू रीच एन इक्विलिब्रियम गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव करता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। उसके लिए देयर शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया। हाँ, कर सकते हो। चैप्टर 10 से स्टार्ट ईशा। जस्ट मेक श्योर कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बोलूँ कि पहले किया है, पहले वैसे लगेगा नहीं, यू ऑल कैन स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं, डिमांड सप्लाई बेसिक आना चाहिए। यू ऑल कैन स्टार्ट। कुछ कुछ अगर मैंने बोला कि पहले करवाया है या जो, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन पूछना मत, बाकी यू कैन डू। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कुछ नहीं लगेगा, एनी वेज नहीं लगेगा कुछ, कर सकते हो अटेंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव करता है गिवन कि कुछ कंडीशंस है मार्केट में जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं करते, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, एंड सो द गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एफिशिएंसी अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो परफेक्ट, आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, खाली अगर कंपाइलर खोलना है तो कंपाइलर खोल के बैठ सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। चैप्टर 10 से कंपाइलर खोल लो। ठीक है, नो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इज परेटो ऑप्टिमैलिटी। वॉट इज दिस न्यू वर्ड? बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं सोशल एफिशिएंसी अचीव होना। यानी कि दो चीज़ होते हैं, एक होता है परेटो इम्प्रूवमेंट्स। नाउ व्हाट इज परेटो इम्प्रूवमेंट? परेटो इम्प्रूवमेंट इज, परेटो इम्प्रूवमेंट्स एनी चेंजेस इन द इकोनॉमी, बी इट ऑन द प्रोड्यूसर साइड और कंज्यूमर साइड, एनी चेंज इन द इकोनॉमी। मैं ना जब क्लास में समझाऊंगी, आई विल नॉट गिव द डेफिनेशन, आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी या फिर अपने वर्ड्स में। आपको डेफिनेशन पढ़ के एग्जाम में वही डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक चीज़ याद रखना, कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर वो एग्जामिनर को नहीं मिला आपके आंसर में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उसको लगेगा कि आप ऐसी मतलब स्टोरी बना के लिख रहे हो। सो दे आर सर्टन कीवर्ड्स विच यू यू नीड टू मैंशन। परेटो इम्प्रूवमेंट क्या होता है? एनी चेंजेस इन द इकोनॉमी विच लीड्स, वेन विच हैपन्स, उससे किसी का खराब नहीं होता, देर इज़ अ बेटर ऑफ, बट देर इज़ नॉट अ वर्स ऑफ ऑफ एनी वन एल्स। ठीक है, एनी चेंज इन द इकोनॉमी दैट लीड्स टू बेटर ऑफ ऑफ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सर्टन रीजन, बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट लीड टू एनी वर्स ऑफ ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल्स और एनी अदर ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर? नाउ व्हेन ऑल द परेटो इम्प्रूवमेंट्स, परेटो इम्प्रूवमेंट मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया, मतलब कुछ भी ऐसा चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, दैट ओनली लीड्स टू समवन गेटिंग बेटर ऑफ, बट कोई किसी का खराब कुछ नहीं होता। ठीक है, नाउ व्हेन ऑल द परेटो इम्प्रूवमेंट्स आर मेड इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी, उसको हम लोग बोलते हैं देन वी रीच द परेटो ऑप्टिमैलिटी। वंस वी रीच द परेटो ऑप्टिमैलिटी, इसके बाद व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस, देन इट विल लीड टू अ बेटर ऑफ ऑफ सर्टन पीपल, बट एट द सेम टाइम इट विल लीड टू वर्स ऑफ ऑफ अदर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। सो वंस यू अचीव द परेटो ऑप्टिमैलिटी, इसके बाद कोई भी चेंज अगर इकोनॉमी में होता है, इट विल लीड टू बेटर ऑफ, ऑब्वियसली अगर कोई चेंज इकोनॉमी में हो रहा है तो किसी ना किसी का तो बेटर ऑफ होगा, बट एट द सेम टाइम किसी ना किसी का वर्स ऑफ भी हो रहा है, बिकॉज ऑल द परेटो इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड एंड वी हैव अचीव्ड परेटो ऑप्टिमैलिटी।
वी नाउ हैव टू ऑलवेज, इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल एफिशिएंसी. हमारा एम होता है टू अचीव सोशल एफिशिएंसी या फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी. दिस इज आर मेजर एम, करेक्ट? ठीक है. नेक्स्ट थिंग, वील डू अ वेरी सिंपल एनालिसिस. सबसे पहले नाउ वॉट इज मार्जिनल बेनिफिट, ये आपने पढ़ा है क्या, एंड मार्जिनल कॉस्ट, द टू कॉन्सेप्ट. कि एक एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे आपका क्या एडिशनल बेनिफिट या कॉस्ट आपका लग रहा है. दिस इज द मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट अ रैशनल इंडिविजुअल बिहेवियर, व्हाट इज अ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर, जो हम लोग ने स्टार्टिंग से बोला है क्लास में, रैशनल बिहेवियर, रैशनल कि लोग अपना मार्जिनल बेनिफिट इंक्रीज करना चाहते हैं एंड मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करना चाहते हैं. ठीक है, सो वॉट आई विल डू इज आई विल डू मोर ऑफ सर्टन एक्टिविटी जिससे मेरे को मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा मिले एंड मार्जिनल कॉस्ट उसका कम हो. करेक्ट? अगर मैं पुचका खा रही हूँ तो उससे मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, ज़्यादा है जिससे मैं प्राइस पे कर रही हूँ. मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर दैन द प्राइस विच आई एम पेइंग. आई विल कीप ऑन कंज्यूमिंग अंटिल एंड अनलेस माई मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस विच आई पे. वंस माई मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज इज दैट इज नॉट अ रैशनल बिहेवियर, मैं नहीं कंज्यूम करूँगी. वंस माई मार्जिनल यूटिलिटी विल गो डाउन, आई विल नॉट कंज्यूम, आई विल स्टॉप कंज्यूमिंग. एंड मार्जिनल बेनिफिट इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ अ कंज्यूमर. एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, प्राइस फॉर द एक्स्ट्रा यूनिट विच आई विल पे फॉर द कंज्यूमर. करेक्ट? करेक्ट है ये चीज़. नाउ फ्रॉम टुडे वी लर्न टू कॉन्सेप्ट्स, एक होता है प्राइवेट एफिशिएंसी और एक हमने देखा यहाँ पे सोशल एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज प्राइवेट एफिशिएंसी, प्राइवेट एफिशिएंसी होता है एक कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये आपका हो गया सोशल, करेक्ट? और एक होता है, अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे दैट वॉज प्राइवेट एफिशिएंसी, यानी कि एक इंसान एक इंडिविजुअल का मार्जिनल बेनिफिट देखा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. क्लियर? व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ सोशल, ये अभी मैं आऊँगी धीरे धीरे, सोशल एफिशिएंसी क्या होता है. सोशल एफिशिएंसी इज नथिंग बट व्हेन देयर इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट. तो क्या डिफरेंस समझ में आया, एक प्राइवेट कॉस्ट होता है और एक सोशल कॉस्ट होता है. ये जो सोशल कॉस्ट है और प्राइवेट कॉस्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बहुत ही इजी टर्म्स में समझते हैं. सपोज मैंने स्मोक किया, ठीक है, मैंने स्मोक किया. नाउ व्हेन आई वाज स्मोकिंग, मेरे को तो एक कॉस्ट मिल रहा है, मे बी माई हेल्थ इज डिटोरिएटिंग, साथ में बेनिफिट जो भी मेरे को यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ माई प्राइवेट थिंग. बट बिकॉज आई एम स्मोकिंग एंड मे बी सुमेधा मेरे बगल से जा रही है, तो सुमेधा को वो पैसिव स्मोकिंग वो हार्मफुल होगा वो चीज़, सो उसको उसके लिए दैट इज़ अ कॉस्ट, उसके लिए वो हार्मफुल है. बट उसने कुछ नहीं किया ना, मैंने किया. सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एक्सटर्नलिटी, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी. एक्सटर्नलिटी क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई बेनिफिट हो रहा है या कॉस्ट हो रहा है बट आपने वो काम नहीं करा है, किसी और ने करा है बट उसके लिए आपको बेनिफिट या आपको उसका कॉस्ट भुगतना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नलिटी बोलते हैं. द बेनिफिट और द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे हैवंट प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इट डायरेक्टली. करेक्ट? तो धीरे धीरे हम लोग आएंगे, सारे एग्जाम्पल्स एंड ऑल देखेंगे. तो बेसिकली दो ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक प्राइवेट कॉन्सेप्ट होता है और एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है दैट वॉज ऑल प्राइवेट, अब हम लोग इस चैप्टर में सोशल को कंसिडर करेंगे. और हमेशा हम लोग देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये दोनों इक्वल हो या फिर ये दोनों इक्वल हो, ये नेसेसरी नहीं होता है. सॉरी. ठीक है, नाउ इट माइट सो हैपन कि आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट. इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंज्यूम और प्रोड्यूस मोर, वी विल कंज्यूम और प्रोड्यूस मोर. यानी कि अभी अगर हम लोग
वी विल इफ वी प्रोड्यूस द मोर ऑफ द सेम प्रोडक्ट तो हमें क्या होगा, हमारा मार्जिनल सोशल कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा, बेनिफिट कम होते जाएगा एंड द टू थिंग्स विल मैच. ठीक है, सिमिलर थिंग हैपन्स इन जो हम लोग MB=MC करते थे, सेम थिंग एकदम, कि अगर आपका MB ग्रेटर दैन MC है तो ज़्यादा कंज्यूम या ज़्यादा प्रोड्यूस करो, अगर आपका MB लेस दैन MC है तो कम प्रोड्यूस कम कंज्यूम करो. सिमिलरली अगर आपका ये केस है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंज्यूम और प्रोड्यूस लेस टू अचीव द सोशल एफिशिएंसी. क्लियर है? When we achieve the social efficiency, then if we make any certain change, इसका मतलब कि we are achieving the Pareto optimality. इस केस के बाद अगर हम लोग कुछ भी अब अपने इकोनॉमी में चेंजेस करेंगे, चेंजेस लाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा किसी का बेटर ऑफ नहीं होगा, बल्कि अगर हो भी रहा है तो किसी ना किसी का वर्स ऑफ भी हो जाएगा. सो आफ्टर दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट आफ्टर विच वी डू नॉट डू एनीथिंग, वी डू नॉट चेंज. ठीक है, नाउ हाउ डू वी अचीव सोशल एफिशिएंसी. दो केसेस होता है, अगर ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लोग सोशल एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली व्हेन वी आर सेइंग दिस का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूँ प्राइवेट, अगर मैं बोलूँ अपना प्राइवेट एफिशिएंसी, प्राइवेट एफिशिएंसी ये हुआ, कहीं भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ तुरंत पूछ लेना, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर इन बिटवीन टू आस्क यू ऑल कंटिन्यूअसली, आप लोग को जहाँ पे भी लगे आप लोग पूछ सकते हो. दिस इज़ प्राइवेट एफिशिएंसी, मैं एक बार के लिए PE लिख रही हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ मत करना. इससे हम लोग प्राइवेट, इससे हम लोग सोशल एफिशिएंसी कैसे अचीव कर सकते हैं, दिस इज़ सोशल एफिशिएंसी. कैसे अचीव करोगे प्राइवेट एफिशिएंसी, व्हेन प्राइवेट एफिशिएंसी लीड्स टू सोशल एफिशिएंसी, ये मुझे डिस्कस करना है. देयर शुड बी टू कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी सैटिस्फाइड. पहला, देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों को याद होगा, डिमांड इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइस और इज इक्वल टू AR, जो भी, ये आप लोगों को याद होगा. एंड देयर शुड बी नो एक्सटर्नलिटीज. नो एक्सटर्नलिटीज़ का क्या मतलब है, अब हम लोग एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एक्सटर्नलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि देर इज़ एन एडिशनल कॉस्ट और बेनिफिट, ये मैं थोड़ा रीड कर रही हूँ, ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन विच इज़ एक्सपीरियंस्ड बाई पीपल अदर दैन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई एम स्मोकिंग, आई एम द कंज्यूमर. सुमेधा जो मेरे बगल से गई, शी इज़ नॉट कंज्यूमिंग, शी इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजम्पशन, बट शी इज़ ऑल्सो फेसिंग दैट कॉस्ट. तो ये हम लोग एक्सटर्नलिटी इसको बोलते हैं. क्लियर? तो एक्सटर्नलिटी दोनों होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, देर इज़ एन एक्सटर्नल कॉस्ट, देर इज़ एन एक्सटर्नल कॉस्ट एंड देर इज़ एन एक्सटर्नल बेनिफिट, दोनों चीज़ होते हैं. ठीक है, MEC बोलते हो, MEB बोलते हो, विच इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, दोनों चीज़ होते हैं. हम लोग अभी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. क्लियर? नाउ ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट्स बोला, अगर ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो प्राइवेट एफिशिएंसी है विल अचीव द सोशल एफिशिएंसी. क्लियर? क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर, एक बार यस लिख दो. नेक्स्ट वील डू अचीविंग सोशल एफिशिएंसी थ्रू द मार्केट. इसको बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है, अब इस डायग्राम के थ्रू समझना, अब इस डायग्राम के थ्रू समझना, हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन अचीव द सोशल एफिशिएंसी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका पहले से रिलेट होगा. कंजम्पशन का बात करें, अगर हम लोग कंजम्पशन का बात करें तो कंजम्पशन के केस में कब हम लोग बोलते हैं कि एफिशिएंसी अचीव होता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस विच वी पे.
प्राइस इज नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट फॉर अस, जो हम लोग हर एक यूनिट का जो प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है. जब ये दोनों इक्वल होगा तो हमारा कंजम्पशन में एफिशिएंसी रीच होगा ऑन द साइड ऑफ कंजम्पशन फॉर अ कंज्यूमर. ये सबसे ऑप्टिमल बिहेवियर, यह सबसे ऑप्टिमल बिहेवियर होता है, ठीक है. तो इस केस में जब हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक सेकेंड, ये हो जाएगा एम सी. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में ये मैंने बोला है डी इज इक्वल टू एम यू, भी लिख देते हैं इधर एम यू. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में डी नथिंग बट डिमांड कर्व इज नथिंग बट आर यूटिलिटी कर्व, करेक्ट. तो ये हमारा अचीव हो रहा है इस केस में जहाँ पे मैंने क्यू ई एंड पी ई लिखा है. तो अभी कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं? कंज्यूमर सरप्लस किसी को याद है कैसे निकालते हैं? द टोटल यूटिलिटी विच आई अचीव, द टोटल यूटिलिटी विच आई अचीव माइनस द टोटल एक्सपेंडिचर जो मेरा हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक बार शेड करके बता रही हूँ, हमारा टोटल यूटिलिटी कब अचीव होगा? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. कंज्यूमर सरप्लस कब होता है? टोटल यूटिलिटी माइनस द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. तो इस केस में हमारा टोटल यूटिलिटी क्या है? पूरा हमारे एम यू कर्व के नीचे जो भी पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा पूरा टोटल यूटिलिटी है. यहाँ तक बेसिकली, ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा टोटल यूटिलिटी है. टोटल एक्सपेंडिचर इज ये पूरा जो मैं पे कर रही हूँ. तो क्या बचा हमारा सरप्लस? क्या हुआ सरप्लस? क्या हुआ? ये वाला पोर्शन हमारा सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस जो मैंने ग्रीन से करा, ठीक है. दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस. सिमिलरली अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस का बात करूँ, प्रोडक्शन साइड में बताना कि हम लोग कब एफिशिएंसी रीच करते हैं, कब तक हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ द ऑप्टिमल पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन. जब हम लोग बोलते हैं कि प्राइस, या फिर हम लोग बोलते हैं एम आर इज इक्वल टू एम सी, हम लोग क्या बोलते हैं? एम आर, ये मैं हो गया कंजम्पशन, ये हो गया मेरा प्रोडक्शन. हम लोग बोलते हैं एम आर इक्वल टू एम सी. नाउ एम आर इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नथिंग बट द प्राइस, इज नथिंग बट द प्राइस, येस और नो? इज येस और नो? इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एम आर ही हमारा प्राइस होता है. मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे हम एम आर भी लिख देते हैं. चलो, एम आर इज नथिंग बट द प्राइस विच वी पे, करेक्ट. इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसा होता था ग्राफ, अगर आप लोग को याद है, दिस यहाँ पे हम लोग बोलते थे डिमांड इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इक्वल टू, जो भी आप पूरा कंटिन्यू करते जाओ. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस इक्वल टू एम सी पे हमारा अचीव होगा इक्विलिब्रियम, यानी कि at this particular point where your MC is equal to your MR is equal to your price, correct. So is case mein what will be your producer's surplus, total revenue jo hume mil raha hai minus, acha batao producer surplus kaise nikalte hain? Ye jo bata diya na, sab nahi bata payenge jinhone classes attend kare hain pehle ke. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट. ये हमारा होता है प्रोड्यूसर सरप्लस. या फिर और
टोटल प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यस और नो? यस और नो? हम लोग ये वाला चीज से करेंगे, निकालेंगे. तो यहाँ पे इफ यू सी व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमें इतना मिल रहा है, ये जो पूरा बॉक्स है हमारा, ये हमारा पूरा टोटल रेवेन्यू है, करेक्ट. और हमारा यहीं पे इफ यू सी व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एमसी कर्व के नीचे, एमसी कर्व के नीचे जो मैंने येलो से हाईलाइट करा, दिस इज आर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो जो बचा अभी कौन सा पोर्शन बचा? ये वाला पोर्शन. देखो ये वाला पोर्शन जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज द प्रोड्यूसर्स सरप्लस. तो प्रोड्यूसर्स सरप्लस क्या आया? ये आया हमारा प्रोड्यूसर्स सरप्लस, ये था कंज्यूमर्स सरप्लस, और ये है प्रोड्यूसर्स सरप्लस. क्लियर? दोनों मिला के हमारा टोटल सरप्लस बन गया, करेक्ट और नॉट? यस और नो? हमारा टोटल सरप्लस बोल सकते हो, या फिर टोटल प्राइवेट सरप्लस बोल सकते हो. क्यों हो जाएगा ये दोनों रीजन? अगर हम इन दोनों को रीनेम करें, ए प्लस बी विल बी द टोटल सरप्लस. एक बार यस और नो लिख दो अगर ये समझ में आ गया तो. बाकी सब ओनली शैली इज रिप्लाइंग. बाकी सब कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछो. सुमेधा गुड क्वेश्चन पूछ रही है कि ये जो डिमांड कर्व बनाया ये पूरा इंडस्ट्री का है क्या? येस, यू कैन कंसिडर बोथ. यू कैन कंसिडर कि पूरा इंडस्ट्री का है, और यू कैन कंसिडर कि एक इंडिविजुअल का है. अगर जब तक तुम ये समझ पाओ कि दिस इज़ ओनली द प्राइवेट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्राइवेट साइड वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली. यहाँ पे कहीं भी हमने सोशल वाला फैक्टर जो है, एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नलिटीज वाला चीज़ है, वो इंक्लूड नहीं करा. तो अगर ये तुम समझ पाओ कि दिस इज द प्राइवेट साइड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो येस, या आप इसको दोनों मान सकते हो, इंडस्ट्री भी या फिर इंडिविजुअल भी, डजेंट मैटर. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं ला रहे. ठीक है, तो ये हमारा बन गया टोटल प्राइवेट सरप्लस. समझ रहे हो? टोटल प्राइवेट सरप्लस है. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वी आर अचीविंग द प्राइवेट एफिशिएंसी. तो प्राइवेट एफिशिएंसी हम लोग कहाँ अचीव करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. देख लो, दिस इन दोनों को इक्वेट कर दिया ना. इस पॉइंट पे वी अचीव द प्राइवेट एफिशिएंसी. एंड इफ वी से कि अगर हम लोग थोड़ा भी डाइवर्ट करेंगे, सपोज क्यू ई से पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ देखना, मैं ब्लैक से बना रही हूँ, अगर हम इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा क्या बोलेंगे, प्राइवेट, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर दैन द प्राइस विच वी आर पेइंग. तो हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और आई कैन से दैट माई प्राइस, दिस इज द कंज्यूमर साइड, और आई कैन से द प्राइस इज ग्रेटर दैन माई मार्जिनल कॉस्ट. तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रोड्यूसर साइड से हम लोग और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें प्राइस ज़्यादा मिल रहे अभी, तो हम लोग और, हमारा मार्जिनल कॉस्ट कम है तो हम लोग और प्रोड्यूस करेंगे. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं टुवर्ड्स दी राइट, तो
तो सिमिलर चीज आप बोल सकते हो कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस, तो कम कंज्यूम करो, या फिर द प्राइस इज लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट, तो कम प्रोड्यूस करो. क्लियर है? क्यू ई बिकम्स योर एफिशिएंट पोजीशन. ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइवेट एफिशिएंसी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एफिशिएंसी, इसी चीज में हम लोग सोशल एफिशिएंसी कब अचीव करते हैं? व्हेन वी हैव द मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट. ये जब हमारा इक्वल होता है तो हम लोग क्या अचीव करते हैं? सोशल एफिशिएंसी अचीव करते हैं. गिवन देयर वर टू कंडीशंस, होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन, तो हमने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन ही लिया है एंड हमने देखा कि प्राइवेट एफिशिएंसी अचीव हो रहा है. एंड क्या होना चाहिए? देयर शुड बी नो एक्सटर्नलिटी, देयर शुड बी नो एक्सटर्नलिटी. तो क्यों? अब हम लोग करेंगे डिस्कस कि वाई कि सोशल एफिशिएंसी के लिए हमें ये दोनों कंडीशन क्यों चाहिए. ठीक है, हमें ये दोनों कंडीशन, वाई वी नीड दीज टू कंडीशन. तो पहला कंडीशन मैंने जस्टिफाई कर दिया कि अगर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो हम लोग क्या अचीव करेंगे? प्राइवेट एफिशिएंसी अचीव करेंगे. प्राइवेट एफिशिएंसी अचीव करेंगे कैसे? हमारा एम यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू एम सी, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. या फिर इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हो? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट. बेसिकली ये वाला चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए. देख लो, ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा प्राइवेट एफिशिएंसी रीच हो रहा है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नाउ नेक्स्ट हम लोग ने बोला नो एक्सटर्नलिटी. अगर कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो होगा, वॉट इज द मार्जिनल सोशल कॉस्ट? मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, कॉस्ट जो एक फर्म को हो रहा है. सपोज एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, वो राइस या फिर बोल सकते हो कुछ भी, राइस मिल है. सपोज एक राइस मिल है, ठीक है, तो वो उसके लिए टू प्रोड्यूस राइस दैट इज द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट विच द फर्म विल इनकर. नाउ इन दैट मील, इफ वो जो मील है वो आपका रिवर पल्यूट कर रहा है या फिर एयर पल्यूशन फैला रहा है, उसकी वजह से और भी काफ़ी लोगों को इफेक्ट हो रहा है. करेक्ट, उसकी वजह से और भी काफ़ी लोगों को इफेक्ट हो रहा है. तो वो जो काफ़ी लोगों को इफेक्ट हो रहा है दैट इज़ द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. क्योंकि मैं अगर बगल से गई, मैंने वो स्मोक कंज्यूम किया, तो मेरे लिए वो कॉस्ट है, पर मैंने डायरेक्टली वो इनकर नहीं किया है. मैंने डायरेक्टली तो नहीं प्रोड्यूस किया, बट स्टिल मुझे वो कॉस्ट मिल रहा है. तो ये हुआ. यहाँ पे जब हम लोग बोल रहे हैं नो एक्सटर्नलिटी, तो ये तो है ही नहीं, तो आपका क्या हो गया? मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ये हो गया इक्वल. ठीक है मुद्दे, तभी आपका क्लियर हो गया होगा. मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू योर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस योर मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट. क्लियर? तो वापस द सेम थिंग कि सपोज हम लोग बोल रहे हैं वैक्सीनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन. तो जब हम लोग वैक्सीन कंज्यूम करें, मैंने कंज्यूम किया, मुदित ने कंज्यूम करा, शैली ने कंज्यूम करा, सब ने कंज्यूम करा, तो इसका बेनिफिट खाली हमें नहीं मिलेगा, और भी आसपास के लोगों को मिलेगा. क्लियर? वैक्सीनेशन का खाली एक जन को नहीं होता ना, कंजम्पशन से काफ़ी लोगों को होगा, सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ पे मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट आ सकते हैं, बट वी आर सेइंग देयर इज नो एक्सटर्नलिटी, तो अगेन ये वाला चीज़ नहीं होगा. अगेन वी विल से दैट दिस टू इज इक्वल. नाउ व्हेन वी आर सेइंग दैट दिस एंड दिस आर इक्वल, देयरफॉर ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो आपका कंडीशन है, वो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो जाएगा?
इसको आप लिख सकते हो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. करेक्ट, दिस इज इक्वल टू योर सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट. सोशल एफिशिएंसी रीच्ड, सोशल एफिशिएंसी अचीव्ड. क्लियर? तो अब समझ में आया कि ये दोनों कंडीशन क्यों हमें चाहिए टू अचीव द सोशल एफिशिएंसी. ठीक है, अब हम लोग एक यहां तक अगर क्लियर, एक बार यस लिख दो. एक बार यस लिख दो. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल डू इज इंटरडिपेंडेंस. इंटरेस्टिंग, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई बिलीव कि ये थोड़ा आने का चांस कम है. इसका ये मतलब नहीं जब भी मैं ये बोलूँ कि आने का चांस कम है तो आप पूरा स्किप कर दो उस पोर्शन को, प्लीज़ ऐसे मत करना. बट यो मतलब थ्रू माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि थोड़ा कम चांस है. ओके, सो आई विल नॉट रीड थ्रू. इफ़ यू सी द कंपाइलर, इस पर 3-4 पेज होंगे, बट आई विल नॉट रीड थ्रू द एंटायर थिंग. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट इज हम लोग अचीव करना चाहते हैं सपोज अ जनरल इक्विलिब्रियम. ओके, नो वॉट इज जनरल इक्विलिब्रियम व्हेन वी से, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. बट जनरल इक्विलिब्रियम होता है जब सारे मार्केट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर इन इक्विलिब्रियम. ऑल द मार्केट्स, ऑल द मिलियंस ऑफ मार्केट इन द थ्रू आउट द इकोनॉमी, नॉट द वर्ल्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रू आउट द इकोनॉमी, मतलब इंडिया में जितने भी मार्केट्स हैं, ऑल द मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम. करेक्ट, तो अब हम लोग देखेंगे कि विदाउट इवन द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ये कैसे पॉसिबल है, प्रोवाइडेड हमारा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड है. नो एक्सटर्नलिटी एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो ये दोनों हमारा प्रोवाइडेड गिवन है, हम लोग बोलेंगे कि वी आर अचीविंग द सोशल, वी आर अचीविंग द ऑप्टिमैलिटी और द जनरल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोल रहे हैं कि मैं ये वाला डायग्राम सीधा यूज़ करूँगी इधर. आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस, आपके पास ये होगा, मैं सीधा ये वाला यूज़ करने वाली हूँ. करेक्ट, तो नाउ सबसे पहला चीज़, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुआ. ठीक है, इन फेवर में चेंज हुआ. जब इन फेवर में चेंज होता है तो क्या होता है, देर इज़ एन इंक्रीज एम यू, या फिर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट या फिर इंक्रीजेस. तो इस केस में व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डायग्राम, देख रहे हो दिस डायग्राम व्हेन वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पे यहाँ पे एक पेन नहीं है क्या? ओके, कोई बात नहीं. तो आपके पास भी डायग्राम होना चाहिए. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो आप लोग देख रहे हो दिस इज द डिमांड, दिस एंड दिस, देर इज अ शिफ्ट, देर इज अ आउटवर्ड शिफ्ट, there is a rightward shift which is happening in the MU या फिर demand curve. और हम लोग क्या बोल रहे हैं, no externality. तो आपका जो MU curve है, आपका जब भी MU लिखा हुआ रहेगा ना, एक concept आप लोग समझ लो please पूरे chapter के लिए, जब भी खाली MU या फिर खाली MC लिखा हुआ होगा, it means marginal private
बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड दिस मीन्स मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. ये चीज़ प्लीज़ याद रखना. तो यहाँ पे व्हेन वी आर सेइंग देयर इज़ अ शिफ्ट, ऑल्सो वी आर सेइंग कि आपका मार्जिनल, देयर इज़ नो एक्सटर्नलिटी, तो आपका मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट. तो ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया यहाँ पे, ठीक है. तो देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट. ये हुआ हमारा पहला चीज़, ठीक है. फ्रॉम द साइड ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का डिमांड बढ़ रहा है एंड व्हेन दे आर इंक्रीजिंग द डिमांड, अब उन लोग क्या करेंगे, नाउ दे विल नॉट कंज्यूम एट ए बट दे विल कंज्यूम एट बी, करेक्ट. अगर आपका मार्जिनल, अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो वो प्राइस से अगर ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब हम लोग ज़्यादा कंज्यूम, प्राइस यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व, ये आप लोग को शायद याद होगा, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सप्लाई कर्व. तो अगर ये ज़्यादा हो जा रहे हैं, अगर ये ज़्यादा हो जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. तो देर इज़ अ शिफ्ट क्यू वन से लेके क्यू टू में, देर इज़ अ शिफ्ट, करेक्ट. फ्रॉम द कंज्यूमर साइड ऑल्सो द प्राइस इंक्रीज. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड, प्रोड्यूसर्स साइड से समझना ध्यान से, प्रोड्यूसर्स साइड से समझना. ये था आपका कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स साइड से समझना, अगर आपका प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल सोशल कॉस्ट, या फिर बोल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, देख लो. इस पॉइंट पे मेरा कर्सर आई थिंक दिख रहा हो, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो अभी के लिए जब मैं बोलूं कि देर इज एन एक्स्ट्रा डिमांड, तो आपका प्राइस इंक्रीज हुआ ना, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो प्राइस इंक्रीज यानी कि प्राइस इज नाउ ग्रेटर देन माय कॉस्ट. इस पॉइंट को अगर कंसिडर करो, प्राइस इज नाउ ग्रेटर देन द कॉस्ट. करेक्ट. ये जो मैंने इधर बनाया, प्राइस इज नाउ ग्रेटर देन द कॉस्ट, तो अभी क्या करेगा फर्म, और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उसका एम सी इंक्रीज होगा एंड देन वील रीच दिस इक्विलिब्रियम, देन वील रीच दिस इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे व्हेन वी सेड कि दिस इज इंक्रीजिंग, यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देर इज अ क्यों ये हो रहा है, नो एक्सटर्नलिटी, there is a shortage in the market and so we are consuming more and so the price is increasing. If price is increasing, marginal cost remains the same, marginal social cost remains the same, aur zyada produce karenge to ye hamara increase hoga. Yahan pe ye increase ho raha hai, yahan pe ye increase ho raha hai, jab dono increase ho ke same ho jayenge, This will be the optimum position. तो यानी कि Q2 and P2, यानी कि ये जो point है हमारा point B, is our social optimum, जहाँ पे your marginal social cost is equal to your marginal. देख लो, देख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया. मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू योर मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यस और नो, ठीक है, करेक्ट. अब आते फैक्टर साइड में. दिस वॉज द
गुड्स मार्केट, अब आते हैं फैक्टर मार्केट में. ये गुड्स मार्केट था. अब फैक्टर मार्केट थोड़ा समझना ध्यान से, क्या होता है जब हम लोग बोलते हैं फैक्टर डिमांड. एक नया चीज पढ़ोगे अभी, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा है. दिस इज नोन एज योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज नथिंग बट, ये लिखा हुआ है आपके इसमें, आपको लिखना नहीं है, कंपाइलर में लिखा हुआ है. योर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, याद है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था हमने, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू द प्राइस, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस. हो क्या रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू द शॉर्टेज. यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, येस और नो. नाउ ये मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट इंक्रीजेस, तो आपका एमसी तो वही था, आपका एमसी चेंज नहीं हो रहा था, तो आपका एमसी से बड़ा हो जाएगा, एमसी ऑफ द फर्म, एमसी ऑफ द फर्म. मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज नथिंग बट द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू द प्राइस. प्राइस बढ़ रहा है यानी कि एमआरपी इंक्रीज, एमआरपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका एमसी तो वही है, एमआरपी इंक्रीज हो गया. जब आपका एमआरपी इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड, अब आप लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, अब आप लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आप लोग को जब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपका डिमांड फॉर द फैक्टर्स विल इंक्रीज, येस और नो. इफ योर डिमांड फॉर द फैक्टर्स इंक्रीज, एम आर पी इज नथिंग बट एम, ये कॉन्सेप्ट देखो, एम एस बी फैक्टर्स का. जैसे आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट होता है गुड्स मार्केट में, वैसे ही आपका सिमिलर थिंग इज देयर इन द फैक्टर मार्केट. उतना डिटेल्स में नहीं है और कहीं आपको नहीं मिलेगा, खाली इसी पोर्शन में मिलेगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट फ्रॉम द फैक्टर्स मार्केट, नो एक्सटर्नलिटी. तो ये कॉन्सेप्ट होल्ड ट्रू कर रहे हैं, यानी कि ये आपका भर जा रहा है, डिमांड भर जा रहा है. सो देयर इज अगेन अ राइटवर्ड शिफ्ट. अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट. ओके ओके. नाउ द फैक्टर डिमांड व्हेन इट इंक्रीजेस, योर सप्लाई शुड ऑल्सो इंक्रीज ना, क्योंकि आपका अब लोगों को अब ज्यादा वेज मिलेगा. सो इफ प्राइस ऑफ द फैक्टर, यहाँ पे क्या पता चला कि आपका प्राइस ऑफ द फैक्टर हैज रिजन. प्राइस ऑफ द फैक्टर ये जो है आपका, प्राइस ऑफ द फैक्टर हैज रिजन. अगर प्राइस ऑफ द फैक्टर बढ़ेगा सो योर सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, योर सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, करेक्ट. So marginal benefit of supplying the labor is more than the marginal cost, जो मैंने यहाँ पे लिखा. तो there will be a movement along the supply curve as well. This movement will continue to happen and the marginal cost will increase. क्यों? मेरा production बढ़ गया, मेरा factor का demand बढ़ा, मैंने laborers hire किया, मेरा लेबरर्स हायर करने से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते गया मार्जिनल बेनिफिट कम होते गया, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऑफ द फैक्टर्स बिकम्स इक्वल टू द मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स. देख लो दिस पोजिशन, दिस पोजिशन. Where your marginal social cost of the factor is equal to the marginal social benefit. Clear है? अब इसको एक बार gist में समझ लो. Taste and preferences बढ़ा in favor of the good.
there was a shift in the demand curve or the marginal utility curve or the marginal social benefit curve. All are same because no externality. There is a shortage in the market, price will increase. ठीक है, demand curve shift, price increase, तो लोगों तो firms के लिए marginal cost वही है, कम है, marginal benefit बढ़ रहा है. They will produce more. Movement rightwards along the supply curve. ठीक है, we reach to the point B इस side में. यहाँ पे देखना point B. Point B में पहुँचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा marginal social cost becomes equal to the marginal social benefit. Clear? हमेशा याद रखना, cost is the side from the producers, इसीलिए यहाँ पे cost है, and benefit is always from the side of the consumers, and cost is side from the producers. अब ये सब हुआ, price जब बढ़ा, तो marginal revenue of the product, which is nothing but marginal physical product into price, price बढ़ा, marginal revenue of the product increases. तो क्या बढ़ेगा? Factor का demand बढ़ेगा. Price बढ़े, factor का demand बढ़ा. Factor का demand बढ़ा, आपका demand curve shift हुआ to the right. अभी demand curve shift हुआ, तो हमने factors higher किया, हमारा marginal cost बढ़ा, shift along the right, supply का shift along the right, लोग आने लग जाएंगे, supply बढ़ेगा. Supply बढ़ेगा, we'll reach an optimal position, जहाँ पे marginal social cost is equal to the marginal social benefit for the factors. Clear hai? Clear hai ye cheez? And this is how a single change in the taste and preferences leads to ek ripple effect bolte hai hum log isko. Ripple effect bolte hai economy mein. Ki dekho, ye sara cheez change hote gaya. Ye change hua. ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, एंड वी रीच द सोशल ऑप्टिमम विदाउट इवन द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज देयर वर टू कंडीशंस व्हिच आर बीइंग सैटिस्फाइड, नो एक्सटर्नलिटी एंड योर परफेक्ट कंपटीशन. तो जब तक ये दोनों कंडीशन है, हम लोग सोशल ऑप्टिमम रीच करेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. बताओ, इज इट क्लियर नाउ? ये वाला चीज अगर ये क्लियर है, तो हम लोग इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे. बताओ ये क्लियर है? एक बार गो थ्रू करना. अगेन व्हेन आई एम सेइंग, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा. एक्चुअली ऑल्सो दिस इज अ न्यू एडिशन, ये CT7 में नहीं था. ओके, सो नाउ वील स्टार्ट विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. कब होता है? अब हम लोग दो चीज देखेंगे कि हमारे जो दोनों कंडीशन है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के और नो एक्सटर्नलिटी के, वी विल सी कि ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो कैसे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा टू अचीव द ऑप्टिमम. पहला में वील सी दैट देर इज नो एक्सटर्नलिटी. हम लोग अज्यूम करें कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यानी कि मेरा सेकेंड कंडीशन डज नॉट मीट, यानी कि देर आर एक्सटर्नलिटीज इन द मार्केट. एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट है. अब एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट है, तो इसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं. मैंने दो चीज़ बताया, एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट. बेनिफिट क्या होता है? द बेनिफिट विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन और कंज्यूमर टू द पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन. सिमिलरली एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्शन और कंजम्पशन टू द पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन. क्लियर? तो आपका सोशल कॉस्ट क्या होता है? मैंने बताया था, प्राइवेट कॉस्ट प्लस द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपका मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज नथिंग बट, या फिर खाली सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट. दिस इज योर प्राइवेट कॉस्ट प्लस योर एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमेशा याद रखना, प्रोडक्शन साइड से कॉस्ट आता है. And when we talk about social
benefit, private benefit, plus external benefit of consumption. Now, अब आप लोग बोलोगे खाली cost क्यों आ रहा है? There is a catch to this. This can be both positive and negative. Similarly, this can be both positive and negative. ये चीज़ ध्यान से सुनना बहुत important है. अगर ये positive है तो यानी कि cost, यानी कि आपका social cost will be more than the private cost. अगर ये नेगेटिव है तो यानी कि आपका सोशल कॉस्ट विल बी लेस दैन द प्राइवेट कॉस्ट. सिमिलरली अगर ये बेनिफिट पॉजिटिव है तो आपका सोशल बेनिफिट इज मोर दैन द प्राइवेट बेनिफिट, एंड अगर ये नेगेटिव है तो सोशल बेनिफिट विल बी लेस दैन प्राइवेट बेनिफिट. एक बार ये चीज़ सिंक इन करो अंदर, क्योंकि अगर ये सिंक इन होगा तभी आगे बढ़ पाओगे. ये पूरा चीज़ एक बार वापस से मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो सुनो और पढ़ो, तभी वी कैन मूव फॉरवर्ड. यानी कि दोनों प्रोडक्शन साइड से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, कंजम्पशन साइड से भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट प्रोडक्शन साइड से जब भी होगा हम लोग उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे. वो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, और जब हम लोग का कंजम्पशन साइड से होगा उसको हमेशा बेनिफिट में ऐड करेंगे. वो दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है, अगर नेगेटिव है यानी कि वो कॉस्ट है. क्लियर? एक बार इसको सिंक इन करो, क्योंकि अगर ये ही समझ पाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे. फिर तो इजी है. चार डायग्राम है जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको समझेंगे. ठीक है, तो देखो नाउ दो दो एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड एंड कंजम्पशन साइड, प्रोड्यूसर साइड से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमने ट्रेनिंग करा अपने स्टाफ का, हमने ट्रेनिंग करा, तो इससे खाली हमें बेनिफिट नहीं होगा, हमारे स्टाफ को भी बेनिफिट होगा. ठीक है, मुदित, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मुदित, ये जो कन्फ्यूजन है मुझे दूर करना है. मुदित का क्वेश्चन इज, अगर बेनिफिट मैप नेगेटिव है तो कॉस्ट बन गया. वही मैं बोल रही हूँ, बट उसको हम लोग, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन साइड से वी टॉक अबाउट द, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, हमने कंजम्पशन साइड में हमेशा मार्जिनल सोशल बेनिफिट रखा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट रखा है. प्रोडक्शन प्रोड्यूसर साइड से जब हमने कॉस्ट बोला, मार्जिनल कॉस्ट बोला, तो हमने सोशल कॉस्ट रखा है. वो कॉन्सेप्ट भूल गए जो हमने बनाया था? दिस इज नथिंग बट डी और एम आर ए आर, रेवेन्यू विच इज़ योर बेनिफिट, एंड दिस इज योर सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट या फिर बेसिकली कॉस्ट, एंड यहाँ पे वो आ रहा है बेनिफिट या फिर एम यू. भूल गए ये कॉन्सेप्ट? तो कॉस्ट इज व्हाट द फर्म इनकर्स, हमारे लिए वो बेनिफिट है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बेनिफिट है. तो इसीलिए जब हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे जब हम लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव है तो ये तो कॉस्ट बन जाना चाहिए. तो मैं वही मैं बोल रही हूँ कि आपका सोशल बेनिफिट जो होगा वो आपके प्राइवेट बेनिफिट से कम होगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक्सटर्नल कॉस्ट का लेते हैं. चलो, फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड एंड द कंजम्पशन साइड. अब कंजम्पशन साइड में जब आपका एक्सटर्नल कॉस्ट में बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव, ये वाला केस. अगर ये नेगेटिव है तो ये कॉस्ट बनेगा, गुड, बट इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, इधर ही इंक्लूड करेंगे, बट एज अ नेगेटिव इंक्लूड करेंगे इधर.
आई एम कंज्यूमिंग सिगरेट, आई एम स्मोकिंग, मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, मे बी मेरे को अच्छा लग रहा है कंज्यूम करके, मेरे पास से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए वो हार्मफुल है, उनके लिए वो हार्मफुल है, करेक्ट? तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, माई प्राइवेट बेनिफिट बिकम्स मोर दैन द सोशल बेनिफिट, देर इज अ मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, या फिर इसको और बेटर क्या बोलते हैं, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज नेगेटिव, क्योंकि सोशल कॉस्ट कम है प्राइवेट, मेरे लिए मे बी मेरा सॉरी सोशल बेनिफिट कम है क्योंकि मेरा जो बेनिफिट है प्राइवेट बेनिफिट है वो ज़्यादा है सोशल बेनिफिट से. स्मोकिंग प्रोड्यूसर साइड से समझना, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल कॉस्ट, तो मैंने क्या बोला था, हम लोग पल्यूट करते हैं रिवर्स, कौन हम लोग नहीं, फैक्ट्रीज, नाउ फैक्ट्रीज आर पल्यूटिंग द रिवर्स, करेक्ट? तो उस केस में उनका जो कॉस्ट है दैट इज एडिंग ऑन टू द एक्सटर्नल कॉस्ट एंड आपका सोशल कॉस्ट इज गेटिंग मोर देन द प्राइवेट कॉस्ट. मेरा एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, कुछ एक कॉस्ट लग रहा है, प्रोड्यूस करने का कॉस्ट लग रहा है, करेक्ट? तो वो मेरा प्राइवेट कॉस्ट हुआ, आई एम पल्यूटिंग द रिवर्स, सोशल कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट हुआ, एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस माई प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट, तो सोशल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से, क्लियर? इस केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज मोर देन द प्राइवेट कॉस्ट, क्यों? क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज सॉरी मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज लेस देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, क्यों? क्योंकि प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, बट ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव है. अब समझ में आया मुदित, आपका बेनिफिट कम हो जा रहा है, आपका जो एक्सटर्नल, मैं कंज्यूम कर रही हूँ सिगरेट, मेरा प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है, बट वहाँ से इसके वजह से देर इज़ एन एक्सटर्नल कॉस्ट, तो उसके वजह से जो सोशल बेनिफिट है जो होना चाहिए पूरे इकोनॉमी को बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग, वो कम हो जा रहा है, सोशल बेनिफिट कम हो जा रहा है प्राइवेट बेनिफिट से, येस और नो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ओके, सो अभी हम लोग एक्सटर्नल बेनिफिट का अगर बात करें तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो मैंने बोला वैक्सीनेशन वाला अभी बहुत हॉट टॉपिक है ये, तो वैक्सीनेशन का बात ये तो नेगेटिव, ये वाला सुमेधा क्लियरली बोलो, ये नेगेटिव का बात करो ना, हाँ अभी करेंगे, रुक जाओ करेंगे, मैंने ये कराया अभी खाली, ये पॉजिटिव था मेरा, ठीक है, योर मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज पॉजिटिव यहाँ पे. अब यहाँ पे कंजम्पशन का बात करें तो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज पॉजिटिव, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज पॉजिटिव का क्या मतलब है, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट पॉजिटिव का क्या मतलब है, वैक्सीनेशन मैंने लिया, मुझे एक प्राइवेट बेनिफिट मिला, बट उसके वजह से लोगों को भी बेनिफिट मिला, तो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट पॉजिटिव है, यानी कि इस केस में योर मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मोर देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, तो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट पॉजिटिव है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन के साइड से तो हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव, इधर नेगेटिव होने का क्या मतलब है, कॉस्ट नेगेटिव हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल कि सपोज एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन किया, कोई एक सॉफ्टवेयर पाइथन सिखाया अपने एम्प्लॉइज़ को, क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत था, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को पाइथन सिखाया बिकॉज आई नीड दैट फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट. अब एक एम्प्लॉई ने क्या किया, सीखा, प्रोजेक्ट भी कर लिया, छोड़ दिया कंपनी, छोड़ के दूसरे कंपनी में चला गया, जो वो दूसरे कंपनी में जाएगा ही हैज़ ऑलरेडी अक्वायर्ड द स्किल ऑफ पाइथन, तो उस एम्प्लॉयर को फ़ायदा मिलेगा,
मैंने किया था बट फायदा किसी और एम्प्लॉयर को हो रहा है. मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव. मेरा कॉस्ट लगा तो इस केस में योर प्राइवेट कॉस्ट, मेरा कॉस्ट इज मोर दैन द सोशल कॉस्ट, दैन द सोशल कॉस्ट. क्यों क्यों वापस? क्योंकि दिस मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा. ऑपोजिट, ये आपका कम हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा. अब समझो आराम से, अभी बस समझ लो आराम से. तो हमेशा जब कॉस्ट का बात करते हैं, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं. बट प्रोड्यूसर की साइड से लो, कैसे? मेरा कॉस्ट था ना, मेरा प्राइवेट कॉस्ट था, पर मेरा प्राइवेट कॉस्ट वॉज मोर दैन द सोशल कॉस्ट. क्योंकि अब उस एम्प्लॉयर को, जो दूसरा एम्प्लॉयर है, उसको अब पाइथन नहीं सिखाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट कम हो गया, बट मेरा कॉस्ट तो ज़्यादा था. तो प्राइवेट कॉस्ट इज मोर दैन द सोशल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव. एक बार यस लिख दोगे तो हम लोग चार डायग्राम्स हैं जो हमें आज ख़त्म करने हैं आज के क्लास में. मे बी 25 मिनट्स और लगेगा. ये चारों चीज़ एक बार समझ लो प्लीज़ आराम से. आपको मटेरियल नहीं रीड करना, यहाँ पे बोर्ड को देख के समझो, मटेरियल बाद में रीड करना. ओके गुड, नाउ वी स्टार्ट विद द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. कब होता है? तो पहला दोनों के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि देर इज़ प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़. प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी का क्या मतलब है? प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी का क्या मतलब है कि दो चीज़ यहाँ पे आपको अजम्पशन लेना है. पहला अजम्पशन कि परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरा नो कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी. अगर नो कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है तो यानी कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट. क्लियर? और इसका क्या मतलब है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू योर सप्लाई. अब मैं दो डायग्राम बना के समझाऊंगी. पहला केस, अगर थोड़ा क्लमजी बने ना तो प्लीज़ बेयर विथ मी बिकॉज ना. पहले केस में हम लोग देखेंगे कि देर इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी कि देर इज एक्सटर्नल कॉस्ट. जब एक्सटर्नल कॉस्ट होता है तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. क्यों? मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. जब मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज पॉजिटिव तो ये वाला कंडीशन आएगा. क्लियर? मैंने बोला है कि हमारा नो एक्सटर्नलिटी ऑन केस ऑफ कंजम्पशन साइड. तो यहाँ पे मैं एक कंजम्पशन का कर्व बना देती हूँ. दिस इज नथिंग बट द डिमांड कर्व, नथिंग बट द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट. क्लियर? ये इक्वल हो गया. अब मैं बोल रही हूँ कि एक मेरा मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है जो कि पॉजिटिव है, विथ क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, विथ क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है. तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, यानी कि मेरा सप्लाई कर्व है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मेरा कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है, तो मेरा जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट होगा वो इसके ऊपर होगा कुछ ऐसा.
which is nothing but marginal private cost plus marginal external cost plus increase हो रहा है. मेरा social, मेरा private optimum कहाँ reach होता है? मेरा private optimum कहाँ reach होता है? When my marginal private cost is equal to marginal private benefit, यानी कि ये वाला point. यानी कि ये वाला पॉइंट, दिस इज एफ क्यू लिखा मैंने, फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम. एफ का मतलब है फ्री मार्केट. फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, एम बी इक्वल टू एम सी. ठीक है, तो इधर अचीव हुआ पॉइंट ए पे. मैं सेम यूज कर रही हूँ जो कंपाइलर में दिया, ताकि आप लोग कंपेयर कर पाओ. बट मेरा सोशल कॉस्ट कहाँ अचीव होना था? सोशल कॉस्ट कहाँ अचीव होना था? सोशल ऑप्टिमम कहाँ अचीव होगा? मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट पे. कौन से पॉइंट पे? ये वाला इक्वल होना चाहिए इससे, यानी कि इस पॉइंट पे. प्लीज ध्यान से सुनो, कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आई विल नॉट रिपीट. ये देखो मुदित, आंसर टू योर क्वेश्चन, नो कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं है. आंसर टू योर क्वेश्चन मुदित, ठीक है, ये हमने अजम्पशन लिया ना, ये दोनों अजम्पशन लिया है. ठीक है, नथिंग विदाउट अजम्पशन इन इकोनॉमिक्स, इन वेर एवर यू गो यू हैव टू अज्यूम समथिंग टू मूव अहेड. ठीक है, तो आपका हो गया सोशल ऑप्टिमम, ये मैंने बता दिया, ग्रीन वाला पॉइंट, क्यू एस पी एस वाला. ठीक है, तो ये आपका हो गया. नाउ इन ऑर्डर, हम लोग अभी कहाँ प्रोड्यूस करें? अभी हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करें. इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल ऑप्टिमम हमें क्या करना पड़ेगा? कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. देर इज वॉट? देर इज ओवर प्रोडक्शन इन द मार्केट. देर इज ओवर प्रोडक्शन इन द मार्केट, कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओवर प्रोडक्शन इन मार्केट में. तो वेलफेयर बढ़ेगा अगर हम लोग, वेलफेयर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सोशल ऑप्टिमम अचीव होगा. सोशल ऑप्टिमम, परेटो ऑप्टिमैलिटी, अ पॉइंट वेर वेन यू मेक एनी चेंजेस विल लीड टू वर्स ऑफ, टू मेक समवन बेटर ऑफ. दैट इज द ऑप्टिमम पोजिशन वी शुड अटेन, जहाँ पे और कोई परेटो इम्प्रूवमेंट्स नहीं पॉसिबल है. तो हमें और, देर इज एन ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, हमें कम प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग कम प्रोड्यूस करेंगे. नाउ एट दिस मार्केट इक्विलिब्रियम देर इज अ डेड वेट वेलफेयर लॉस, जो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास और अच्छे से पढ़ेंगे. देर इज अ डेड वेट वेलफेयर लॉस जो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखो अब उसको कैसे बनाएंगे. लेट मी टेक अ न्यू कलर पेन. डेड वेट वेलफेयर लॉस कैसे बनाएंगे? देखो दिस इज द डेड वेट वेलफेयर लॉस, दिस इज द मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एट द मार्केट इक्विलिब्रियम. एट क्यू एफ,
ध्यान से सुनना, एट क्यू एफ, वी आर प्रोड्यूसिंग एट क्यू एफ, तो हमारा ये जो डिस्टेंस है, हमारा ये जो डिस्टेंस है, हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने इससे दिखाया, ये जो डिस्टेंस है, हमारा सोशल कॉस्ट इज मोर देन द प्राइवेट कॉस्ट, तो इसकी वजह से देर इज अ डेड वेट वेलफेयर लॉस. डेड वेट, इसको क्या बोलते हैं, डेड वेट, इसके उसको और हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, वेलफेयर लॉस, इसको कैलकुलेट करना नेक्स्ट क्लास समझेंगे. क्योंकि मैं मार्जिनल कॉस्ट मोर वॉज मोर देन द प्राइवेट कॉस्ट. क्लियर है? डेड वेट वेलफेयर लॉस. ऑल्सो दिस डिस्टेंस विच यू सी शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. ऑब्वियसली डायग्राम में मेरा सही नहीं बना, बट दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. येस और नो? मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सॉरी, और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट. मेरा डायग्राम एक्चुअली थोड़ा, ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, बट स्टिल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. टू द स्केल नहीं बनाना. क्लियर? एक बार प्लीज ये डायग्राम अगर क्लियर है तो बाकी का तीन डायग्राम इजीली समझ में आएगा. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम ड्रॉइंग इट. आपको अगर ड्रॉइंग, देखो मैं ड्रॉ कर दूंगी, मुझे, मेरा तो हो गया क्लियर. आपको क्लियर करना है, आपको ड्रॉ करना सीखना है. डेली एक जन मुझे मैसेज करते हैं पक्का से फॉर श्योर कि दीदी डायग्राम्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना. डायग्राम्स अभी आज के क्लास के बाद जिसका मैसेज आया ना, डायग्राम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोलूँगी करो ही मत ना, पढ़ो ही मत. डायरेक्टली आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे ही मत. अरे पढ़ने का ही क्या ज़रूरत है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, डायग्राम्स क्या, पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है. बहुत ही गंदा क्वेश्चन है. तो सब लोग, और एक जन नहीं, एक जन नहीं, सब ने मैसेज किया. सबको मन में पता है कि किसने किसने मैसेज किया. सब ने, लाइक 90% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मैसेज्ड मी कि अब तो ऑनलाइन है, डायग्राम्स इम्पोर्टेंट नहीं है. मैंने बोला हाँ नहीं है, एकदम ऐसे ही पास हो जाओगे, बिना पढ़े पास हो जाओगे, पढ़ो ही मत. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हमने देखा कि देयर वॉज एन एक्सटर्नल कॉस्ट. अब हम लोग देखेंगे देयर इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हेन वी से देयर इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना. मैं ये बोल रही हूँ कि मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव. ऊपर मैंने कराया है, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव, ये मैं बोल रही हूँ. जब मैं ये बोल रही हूँ मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज लेस देन द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. मुझे सुमेधा एंड मुदित का रिप्लाई नहीं आया, सो आई विल वेट. जब तक इन लोग रिप्लाई नहीं करे, येस मैम, क्लियर मैम, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. बिकॉज आई वॉन्ट, और हमें बस तीन डायग्राम करना है, ये हमारा सेकेंड है. क्योंकि अगर आपको पहला समझ में आ गया तो बाकी तीनों भी समझ में आ जाएगा अच्छे से एक बार. ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रीड कर रहे हो कंपाइलर कर लो, बट नॉट रिक्वायर्ड. अगर आपको क्लास में समझ में आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाईज किसी और का. सुमेधा, अगर मैं सेकेंड डायग्राम समझाऊँ तो आपको फर्स्ट समझ में आ जाएगा. सो आई विल नॉट रिपीट द फर्स्ट डायग्राम अगेन. ठीक है सुमेधा, इफ आई रिपीट द सेकेंड डायग्राम आपको फर्स्ट आ जाएगा. अगर फिर भी नहीं आया, आई विल रिपीट. ठीक है, डील? चलो मैं सेकेंड वाला समझा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो.
अगर नहीं समझ में आया सेकंड वाला भी, तब मैं फर्स्ट वाला फिर से समझाऊंगी, ठीक है? नाउ व्हेन वी आर सेइंग देयर इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये वाला केस माय सोशल कॉस्ट इज नेगेटिव, माय एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव. इफ़ माई एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ़ माई एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव यानी कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज लेस दैन द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. ट्रेनिंग वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ट्रेनिंग वाला एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया था वो वाला एग्जाम्पल. तो जब मैं बोल रही हूँ, अच्छा ये तो सेम रहेगा आपका, डिमांड इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये सेम रहेगा, हमने अजम्पशन लिया है. नाउ वी आर सेइंग द मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव, यानी कि देर इज अ मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन. तो उस केस में मैं इसको थोड़ा बेटर, तो उस केस में हमारा जो एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पॉजिटिव था, नेगेटिव है. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट कम होते जाएगा, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज नेगेटिव. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कम होते जाएगा, नेगेटिव, ठीक है? इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग. क्लियर ये चीज़? ठीक है, क्लियर. अब हम लोग इस केस में मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज लेस दैन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, क्लियर? तो ये जो आपका बना, ये मैं थोड़ा नीचे से बना देती हूँ ऐसा, तो ये जो आपका बना विच इज़ योर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, विच इज़ नथिंग बट द सप्लाई कर्व एंड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इससे नीचे होगा सोशल कॉस्ट ऐसा मार्जिनल सोशल कॉस्ट विच इज़ नथिंग बट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट माइनस द या फिर प्लस मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन साइड. सुमेधा आई वॉन्ट योर एस की येस की अभी तक यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ही बोल दो चलो, या फिर कॉस्ट बोल दो, जो भी बताओ. यहाँ तक क्लियर है? हम लोग फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव करेंगे? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट पे. क्लियर? इस दोनों को, मतलब ये वाला और ये वाला, इधर इधर फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम. बट सोशल ऑप्टिमम कहाँ होगा? मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट पे, ये वाला पॉइंट. करेक्ट? तो इकोनॉमी में यहां प्रोड्यूस करना चाहिए था ज्यादा. देर इज अंडर प्रोडक्शन. We will increase the production in order to achieve the social optimum. We will increase from QF to QS to increase to achieve social optimum. ठीक है. Now इस केस में आपका डेड वेलफेयर लॉस क्या होगा? यहां प्रोड्यूस कर रहे हो ए पे,
करना चाहिए था सी पे, करना चाहिए था सी पे, तो ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है, वेर योर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन द मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये जो है दिस इज माई डेड वेलफेयर लॉस, डेड वेट वेलफेयर लॉस. ये कैसे निकालते ये हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, वेन वी यूज द मोनोपली वाला थिंग. अभी के लिए ये समझो, वी आर प्रोड्यूसिंग एट क्यू एफ, जहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन द सोशल कॉस्ट, तो मेरा जो टोटल में लॉस हो रहा है, डेड वेट वेलफेयर लॉस हो रहा है, दैट इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द रीजन ए बी सी. क्योंकि क्यू एफ और क्यू एस के बीच में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, होना चाहिए था क्यू एस पे. हम लोग उदित कल करेंगे, कल करेंगे, ठीक है. ये चीज़ आज मैं नहीं करवा रही हूँ, आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा करने के लिए, मैं कल कराऊंगी. ये समझ में आया कि नहीं सुमेधा? आपको सेकंड डायग्राम समझ में आया कि नहीं? अगर सेकंड आ गया फर्स्ट भी आ जाएगा. सेकंड डायग्राम समझ में आया कि नहीं? मुदित कल फर्स्ट मैं यही समझाऊंगी आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई सबका. दोनों केस पढ़ा हमने, बोला कंजम्पशन के साइड से कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है, प्रोडक्शन के साइड से खाली एक्सटर्नलिटी है. एक जगह देखा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, यानी कि कॉस्ट पॉजिटिव है, यानी कि सोशल कॉस्ट इज मोर देन द प्राइवेट कॉस्ट. एक जगह देखा, करेक्ट करेक्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ना आपको, प्रोड्यूस करना चाहिए था इधर, आपको प्रोड्यूस करना चाहिए था इधर क्यू एस पे, आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्यू एफ पे. तो ये जो मैंने पूरा बनाया डेड वेलफेयर लॉस, ये आपका छूट गया ना, इतना आपको और प्रोड्यूस. अब ये जो रेक्टेंगल जो बोल रहा है मुदित, वो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा कल समझेंगे. ठीक है, दो केसेस किया हमने. एक केस जहाँ पे देर वॉज एक्सटर्नल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट मोर देन प्राइवेट कॉस्ट. दूसरा केस में हमने देखा कि आर एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सोशल कॉस्ट इज लेस देन द प्राइवेट कॉस्ट. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दो डायग्राम, बहुत सिंपल वापस से. इस केस में हम लोग करेंगे कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी करेंगे. और इधर इधर हम लोग दो अजम्पशन फिर से लेंगे. पहला अजम्पशन तो आपको मालूम ही है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का. परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर है, मतलब कि हमारा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज नथिंग बट द सप्लाई कर्व. ये क्यों होता है ये मैं नहीं समझाऊंगी, मैंने पहले करवाया है. एंड नो एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन. अगर नो एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन है तो क्या दोनों इक्वल होगा, बताओ. आप लोग बताओ जल्दी से, अब आप लोग को आंसर करना है. क्या दोनों चीज़ इक्वल होगा व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट. किसने किसने सही बोला? शैली ने सही बोला, सुमेधा, मुदित, वेरी गुड.
थ्री ऑफ यू वेरी गुड, एकदम सही बोला. ठीक है, सो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट विच इज नथिंग बट द सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, नाउ इफ आई मेक दिस एज माई डिमांड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ, इधर मैं पहला केस में ले रही हूँ, देर इज एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर मैं एक्सटर्नल सॉरी कंजम्पशन, अगर मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बोल रही हूँ, तो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट नेगेटिव है. अगर मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट नेगेटिव है, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कौन सा ज़्यादा होगा? प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा होगा. मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट नेगेटिव है, तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा होगा. तो अगर मैं इस केस में बनाऊँ, देर इज ऐसा कुछ कर्व, दिस इज माय मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन या फिर मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज नेगेटिव. करेक्ट, तो मेरा मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऐसा, सोशल बेनिफिट ऐसा बनेगा लेस देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. देख लो, हाउ डू वी अचीव द प्राइवेट ऑप्टिमैलिटी, या फिर हम लोग एक प्राइवेट हम लोग ऑप्टिमम कहाँ अचीव करेंगे, जहाँ पे हमारा एमपीसी इक्वल टू एमपीबी, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. ये स्टार्टिंग ऑफ द क्लास देख लिया था हमने इस पॉइंट पे, पॉइंट ए क्यू एफ पी एफ. हमें कहाँ करना चाहिए था, मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी कि हमें यहाँ बनाना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था. यहाँ पे होना चाहिए था पॉइंट सी ले लो, और दिस डिस्टेंस मार्जिनल सोशल बेनिफिट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ये जो गैप है, तो ये मेरा पूरा डेड वेट वेलफेयर लॉस हो गया. एट क्यू एफ देर इज ओवर कंजम्पशन प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन ठीक है, यहाँ गड़बड़ी है. देर इज ओवर कंजम्पशन, हमें कंज्यूम करना चाहिए लेस. इसके वजह से देर इज अ डेड वेट वेलफेयर लॉस इन द इकोनॉमी. अब बताओ ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं, ठीक है. ओके, नाउ
The last diagram for today is this. मैं एक्सेस लेबल नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज पॉजिटिव, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मोर देन द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. ठीक है, तो हमारा ये कर्व तो सेम बनेगा, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट. नाउ मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इज पॉजिटिव, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट है तो ऐसा बनेगा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब अगर मैं ये बना रही हूँ एज मैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट, तो मेरा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज व्हाट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. इस पॉइंट पे वील अचीव द फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम. फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम होना किधर चाहिए था? मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इधर. दिस वी आर प्रोड्यूसिंग हियर, वी आर कंज्यूमिंग हियर, ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए था. देयर इज अंडर कंजम्पशन, देयर इज अंडर कंजम्पशन, ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए था. तो अगर हम लोग इस पॉइंट का बात करें, इस गैप का बात करें, यहां पे दिस इज आर मार्जिनल एक्सटर्नल, मार्जिनल सोशल कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो ये मेरा पूरा डेड वेट वेलफेयर लॉस हो गया, ये मेरा पूरा डेड वेट वेलफेयर लॉस हो गया. ये जो गैप है बिटवीन QF एंड QS, इसके वजह से ये जो मेरा डिस्टेंस रह गया, दिस इज माय डेड वेट वेलफेयर लॉस. नहीं, डजंट मैटर मुदित, यहाँ पे वो चीज नहीं आएगा आपका. देखो मैंने क्या बोला था, डे वन पे सारे कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं घुसा सकते हो. जैसे सुमेधा का क्वेश्चन था, ये इंडस्ट्री डिमांड कर्व है या इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व है, नॉट द कॉन्सेप्ट टू बी इंक्लूडेड हियर. हम लोग जब मार्जिनल, आप इसको बोल सकते हो, बट ये जो है यहाँ पे जो है, दिस इज इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप अलग से बना रहे हो ना, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट अलग अलग बना रहे हो. सॉरी, गुड सुमेधा, बेनिफिट, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ये सही है. और मुदित का क्वेश्चन इज कि कितना स्लोप होना चाहिए लाइन का, कैसे पता? नहीं पता होगा. यहाँ पे आपको नहीं ध्यान देना है कि इलास्टिक है इन इलास्टिक है, डजेंट मैटर, नॉट अ कॉन्सेप्ट टू बी इंक्लूडेड हियर. एक मॉडल में एक इतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं इंक्लूड कर सकते. नाउ व्हेन यू कंसिडर कि इलास्टिक होगा तो कैसा होगा, इन इलास्टिक, तो एक अलग ही पूरा वो बन जाएगा टॉपिक. ठीक है, तो यहां बताओ ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चारों डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं? अगर ये चारों डायग्राम आपको समझ में आ गया तो इसको जाके आई थिंक 5-6 पेजेस ऑफ द कंपाइलर जो मैंने आज कराया पूरा रीड थ्रू करो. कल हम लोग आगे से आगे का करेंगे, कल हम लोग इससे आगे का करेंगे. ठीक है, ठीक है, एक बार अगर सब लोग मुझे यस लिख दोगे तो फिर वील एंड टुडेज क्लास
इसको रीड करना, इसी वीक में चैप्टर 10 ख़त्म करके आप लोग का पहले का डाउट्स लेके, ये इस वीक का टारगेट है। अभी आज से हम लोग वीकली टारगेट्स रखेंगे। इस वीक का टारगेट इज़ टू फिनिश ऑफ विथ, आई होप आई गेट द क्लासेस ऑल्सो, तो आई कैन फिनिश ऑफ विथ योर CB2 चैप्टर 10 सॉरी इन दिस वीक एंड टेक योर डाउट्स एज वेल। ठीक है, डाउट्स हम जूम क्लास रखेंगे तो वो हम शाम को भी रख सकते हैं, आई विल इन्फॉर्म द टाइमिंग्स। ठीक है, ओके। अगर किसी का कुछ कॉलेज एग्जाम या कुछ भी है, मुझे एक बार पर्सनली या फिर ग्रुप में मैसेज कर देना तो बेटर रहेगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन। रिवाइज कर लेना इसको आज।